दोस्तों, अगर आपका भी फैम पेज को जब आप ओपन करते हो और अगर आपको इस तरह का मैसेज देखने को मिलता है जहां पर लिखा जाता है सस्पेशियस अकाउंट एक्टिविटी फाउंड और नीचे लिखा रहता है अंडरस्टैंड और नीचे लिखता है नो मोर। अब यहां पर आप एक चीज़ और गौर करना तो यहां पर हमारे सामने एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर बोला जाता है योर फोन हैज़ बीन ब्लॉक ड्यू टू मल्टीपल साइनअप्स लॉग इन ऑन योर फोन अगेंस्ट अवर पॉलिसी। तो इसका क्या मतलब है आप पहले इसको समझिए और उसके बाद फिर आप अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कीजिएगा, तभी यहाँ से आपका प्रॉब्लम वो सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सस्पिशियस एक्टिविटी फाउंड, इसका मतलब ये है कि अगर आपके घर में दो फ़ोन हैं या फिर आप अपने ही फ़ोन में बार बार फैम पे आपको लॉगिन करते हो, लॉग आउट करते हो, लॉगिन करते हो, लॉग आउट करते हो, मतलब बार बार एक ही दिन में तीन बार चार बार पांच बार कर रहे हो या फिर एक दिन करते हो दूसरा दिन छोड़ कर फिर तीसरा दिन करने लग जाते हो, तो ये चीज़ अगर आप कर रहे हो तो ये फैम पे के अगेंस्ट है, आपको ये नहीं करना चाहिए। मतलब एक हर स्कूल में एक नियम कानून होते हैं ना, उसी तरह से फैम पे का नियम है जहाँ पर आप फैम पे अकाउंट को बार बार लॉगिन या फिर लॉग आउट नहीं कर सकते हो। अगर आप लॉगिन या फिर लॉग आउट करोगे तो फिर आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देगा। अब बाय चांस अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है तो फिर इसका सॉल्यूशन आप जान लो, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको एक से दो दिन तक आपको वेट करना है, अपने फ़ोन से फैम पे अकाउंट को बिल्कुल ही अनइंस्टॉल कर देना है और जब दो दिन या तीन दिन हो जाए उसके बाद फिर आपको फैम पे अकाउंट को लॉगिन करना है अपने फ़ोन में, प्ले स्टोर पर जाके उसको इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद जब आप लॉगिन करोगे तो फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बट अगर फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो एक फाइनल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, उसको करने के बाद आपका प्रॉब्लम 110% सॉल्व हो जाएगा। वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो ये है कि अगर आप बार बार अपने फ़ोन पे आप लॉगिन कर रहे हो और अगर लॉगिन नहीं हो रहा, बार बार फिर से सस्पिशियस अकाउंट का प्रॉब्लम ये देखने को मिल रहा है, तो फिर आपको अपना जो फ़ोन इसको आपको फॉर्मेट करना होगा, मतलब रिस्टार्ट नहीं फॉर्मेट, बिल्कुल जिसे होता है ना कि फैक्ट्री डेटा रिसेट बोलते हैं, आपको वो करना है। और वो करने के बाद जब वापस से आप प्ले स्टोर पर जाके फैम पे अकाउंट को डाउनलोड करके लॉगिन करोगे तो भाई आप लिख के ले लो मेरी गारंटी, आपका जो फैम पे अकाउंट है वो फिर से वर्क करने लगेगा और आपका जो काम है यहाँ पे रुका हुआ था वो यहाँ से चलने लगेगा। इसके अलावा यहाँ पर गाइस कोई तरीका नहीं है सस्पिशियस अकाउंट को सॉर्ट आउट करने का, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप लोग गाइस हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप सर्च करके भी आ सकते हो। और अगर यहाँ पर आप ज्वाइन करते हो तो फिर गाइस मैं आपको बहुत सारे डेली ऑफर्स अपडेट देता हूँ जिसके थ्रू आप काफ़ी अच्छा खासा यहाँ से आप प्रॉफिट कमा पाते हो। बाकी अगर आप मुझसे बातचीत करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर एक बोर्ड देखने को मिलती है, आप इस बोर्ड पे जाके आप मुझसे अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। जैसे देखोगे तो बहुत सारे लोग मुझसे अपने प्रॉब्लम शेयर करते हैं और इसके अलावा वो लोग बहुत सारे अपना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पे पाते हैं। तो गाइस चलो फिर मिलते हैं यार अपने किसी नेक्स्ट वीडियो पे। तो अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो के नीचे आप अच्छे से अच्छे अच्छे कमेंट्स करना और आप नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपका नेक्स्ट जो आपका मतलब टॉपिक रहेगा वो आपके अकॉर्डिंग में बना सकूँ। तो चलो फिर गाइस मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो पे।